शिवाइन के इको सिस्टम के एक और टोकन की प्राइस भी दोस्तों बहुत ज्यादा आज एक ही दिन के अंदर बढ़ गई है वो क्यों बढ़ी आखिर शिव आयु की टीम के पास ऐसी क्या गीजर सिंगी है कि वो हर टोकन को जब चाहे अब उसकी प्राइस जो है वो बढ़ा सकती है ये सारी चीजें इसी वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं समझने वाले हैं आई होप कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे लाइक जरूर कर देंगे और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे हेलो दोस्तों वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज श्यास शिव आयु के इको सिस्टम को लेकर आज एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है जो कि हो रहा है कनाडा के अंदर टोरंटो के अंदर तो वहाँ पर शिबा आनु सबसे बड़ा इस्पॉसर जो है वो पाया जाता है वहाँ पर शैतोशी कुसामा डायरेक्टली बात भी करने वाले हैं आल दो कि शायद वो वहाँ पर अपनी वॉइस वगैरह चेंज कर दें मतलब कुछ इस तरह से होने वाला है लेकिन एक और चीज़ और एक और डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है शिबा आनू की प्राइस तो हमने देखा है कि वो तो डाउन ही गई है पिछले एक दो दिन के अंदर लेकिन लीश का प्राइज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा है उसका रीजन थोड़ा समझने की यहां पर कोशिश करेंगे और रीश के अंदर और कितना पोटेंशियल मौजूद है आपको इस टोकन को लेकर मतलब क्या चीजें सोचने समझने की जरूरत है मैं तो मतलब बहुत बार इस पर वीडियो बना चुका हूं लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे दोस्तों ने इसको सीरियस नहीं लिया मुझे ऐसा लगता है बिकॉज इसके बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत ज्यादा मतलब बहुत कम डिमांड मिलती है अगर आपके वैलेट्स के अंदर ये टोकन है और मेरी वीडियोस देखने के बाद आपने अलीश को बाय किया था तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा पूरी डिटेल यहां पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं सबसे पहले तो आज का आप चार्ट देख लें दोस्तों यहां पर अगर आप देखें तो, तो राउंड अबाउट कोई फिफ्टीन परसेंट इसका प्राइस इंक्रीज हुआ है आज के दिन के अंदर आल दो इसका जो न्यूज़ है वो मतलब कल से ही आना शुरू हुआ मैं इसको लॉन्ग जो चार्ट है उस वो भी मतलब आपको दिखाता हूँ लेकिन इसकी थोड़ा डिटेल देख लें जरा तो दोस्तों जस्ट सात करोड़ डॉलर और समथिंग यहाँ पर इसके अंदर मार्केट केप है मतलब सात करोड़ डॉलर तकरीबन इसके अंदर लगे हुए हैं कुछ भी ज्यादा नहीं है बेबी डॉज की अगर आप मार्केट केप देखें वो भी आपको इससे ज़्यादा नजर आएगी और भी ऐसे बहुत सारे कॉइन टोकन हैं जिनकी प्राइस या मार्केट केप जो है वो इससे ऊपर है मतलब इवन पेपे कॉइन जो है उसका मार्केट के भी लीज से ज़्यादा ऊपर हमको नज़र आता है हालांकि यूटिलिटी को अगर देखा जाए तो फिर भी लीज की कुछ ना कुछ यूटिलिटी है या फिर यह कि एक ब्रांड जो है वो लीज यहाँ पर बन चुका है पेपे कॉइन कोई ब्रांड वगैरह भी नहीं है लेकिन उसके अंदर भी 55 करोड़ डॉलर्स जो मैं मतलब यहाँ पर नज़र आते हैं कि उसके अंदर लगे हुए हैं यहाँ पर जस्ट सात करोड़ है तो पोटेंशियल को लेकर सबसे पहले आपने ये चीज जहन में रखनी है अब मतलब दूसरी चीज यहां पर आपके साथ शेयर करता हूं उसके बाद कंपेयर करेंगे ठीक है दूसरी बात है दोस्तों सर्कुलेटिंग सप्लाई ऐसी कितनी है मतलब एक लाख छ हजार टोकन ओनली एक जस्ट दोस्तों वन लैक एंड सिक्स थाउजेंड टोकन कुछ भी ज्यादा नहीं है अच्छा और मार्केट में आने हैं या नहीं नो मतलब जितनी भी इसकी सप्लाई है वो सारी की सारी मार्केट के अंदर इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है चल रही है लाख टोकन हो और अगर इसके अंदर दोस्तों वन बिलियन डॉलर लग जाते नथिंग मोर ओनली बिलियन तो जब सात करोड़ पर ही इसकी प्राइस जो है वो सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव डॉलर चलती है या मिल रही है आपको आप यहां से अंदाजा करेंगे अगर इसके अंदर वन बिलियन डॉलर लग जाते हैं आने वाले दो तीन सालों के अंदर तो मतलब इसका प्रायज कहाँ तक जा सकता है ये चीज एन में रखनी है पोटेंशियल की जब मैं बात कर रहा था दूसरा पोटेंशियल इसका क्या है दोस्तों वो है शिबा आयु के नाम के साथ इसका जुड़ा हुआ होना ठीक है मतलब शिबा आनू इट सेल्फ इज अ ब्रांड मतलब जो टॉप के कॉइन्स इस वक्त मार्केट के अंदर आते हैं उनमें से एक है और ये उसी के इकोसिस्टम का टोकन है उसके बाद शिबा के पास जो एन हैं जिनकी यूटिलिटी जो है वो इन गेम होनी है गेम के अंदर होनी है एक चीज़ यहाँ पर जहन में रखिएगा कि जो गेम इस वक्त शिबा की टीम ने लॉन्च किया हुआ है वो अभी तक ब्लॉक पर नहीं आया वो वैसा ही रन कर रहा है ठीक है लेकिन जब वो ब्लॉकचेन पर आ जाएगा क्योंकि शिबेरियम बहुत जल्द रिलीज होने वाला है इसके बाद वो इसी ब्लॉकचेन पर भी डेवलप किया जाएगा और रिलीज कर दिया जाएगा तो वो जो इन इस वक्त लोगों के पास पड़ी हुई हैं वो इन आ जाएंगी गेम के अंदर उनकी यूटिलिटी होगी मतलब उनकी प्राइस जो है वो उस तरह से फ्लक्चुएट करेगी बाय एंड सेल होगी तो उसके लिए लीस जो है वो बाय करने के लिए आपके वैलेट के अंदर होना जरूरी है दैट इज द यूटिलिटी बिग यूटिलिटी जो कि ऑलरेडी इस वक्त मौजूद है अच्छा अब कल जो है वो कुसामा ने एक यहां पर ट्वीट किया उन्होंने कहा कि कल कॉन्फ्रेंस के अंदर हम नॉट ओनली या बोन को डिस्कस करने वाले हैं लेकिन लीश को लेकर भी एक न्यू यूटिलिटी जो है वो हम लेकर आ रहे हैं जिसकी अनाउंसमेंट शायद इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस सबमिट के अंदर हो जो जिसका नाम है फ्यूचरिस्ट कॉन्फ्रेंस तो जैसे ही ये ट्वीट आया उसके बाद से लेकर लीश की प्राइस जो है वो अप जाना शुरू हुई वन uh, डे का आपके सामने है मैं आपको इसको सेवन डेज का चार्ज जो वो दिखा देता हूँ ये देखें ज़रा सेवन डेज़ के अंदर दोस्तों इसका जो लो है ना सेवन डेज के अंदर वो है पाँच सौ तेईस चौबीस डॉलर उसके हिसाब से भी देखा जाए तो आज मतलब इसी हफ्ते के अंदर जिन दोस्तों ने इसको बाय किया होगा उनको भी सौ डॉलर से ज्यादा यहां पर प्रॉफिट मिल रहा होगा ठीक है लेकिन अगर आप इसको वन मंथ के अंदर देखें तो वन मंथ का इसका जो लो है वो थ्री हंड्रेड एंड नाइन्टी थ्री डॉलर है मतलब राउंड अबाउट कोई चार सौ डॉलर के करीब चार सौ डॉलर और इस वक्त ये साढ़े छ सौ डॉलर से भी ऊपर चल रहा है और इसका जो प्राइस है मतलब वन मंथ के अंदर कितना इंक्रीज हुआ है राउंड अबाउट कोई दोस्तों फिफ्टी थ्री परसेंट मोर देन फिफ्टी थ्री परसेंट प्राइज अप हुआ है जस्ट विद इन अ मंथ अब यहां पर वन ईयर का चार्ट में दिखा देता हूं जरा वन ईयर के अंदर दोस्तों इसने जो मतलब हाई बनाया है वो यहां पर देखें कि सेवन हंड्रेड एंड टेन है मतलब सात सौ दस डॉलर पर इसने हाई बनाया और लोवेस्ट ऑफ द ईयर इस वक्त तक इसका जो है वो है ढाई सौ डॉलर मतलब ढाई सौ डॉलर वाली चीज इस वक्त आपको साढ़े छ सौ डॉलर में मिल रही है मतलब जो कुछ ही वक्त पहले और यहाँ पर डेट भी आपको बता देता हूँ तो ये भी तेरह जून की ही बात है कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है तो आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हैं कि फ्लक्चुएशन किस लेवल तक यहाँ पर होती है पोटेंशियल की जब बात की मैंने तो यहाँ पर मैं अभी आपको ये एडवाइज़ नहीं कर रहा कि भैया आप अभी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें कर तो सकते हैं हो रही है ट्रेड और जिस तरह से प्राइस इसका ऊपर जा रहा है लेकिन रिस्क भी उतना रहेगा क्योंकि मतलब अनाउंसमेंट के बाद हो सकता है कि सेल ऑफ़ यहाँ पर अच्छी खासी हो और इसका प्राइस जो वो वापस तीन चार सौ डॉलर तक आ जाए लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आप देखें इसको तो इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट्स मेरा ख्याल है कि करनी चाहिए अगर आपका वैलेट आपका मन आपको इजाज़त देता है तो लॉन्ग टर्म में इसका प्राइज मोर देन वन डॉलर बड़े आराम के साथ जा सकता है रीज़न क्या है वो ये है कि दोस्तों हमने देखा था 2022 के अंदर ही आ, मतलब इसका है वो तीन साढ़े तीन हज़ार डॉलर तक जा चुका है उससे पहले जब ये लॉन्च हुआ था तो इसका प्राइस हॉटबिट पर दस हज़ार डॉलर तक गया था क्वाइन मार्केट के भी दो तीन चार हजार डॉलर तक इसका प्राइस दिखाता है जो कि मतलब इसका ऑल टाइम हाई है मैं यहां पर कुछ ज्यादा जो है वो एक्सपेक्टेशन ना भी लगाऊं तो भी ये कह सकता हूं कि तीन चार सौ डॉलर तक अगर आप इसको बाय करते हैं तो बहुत सारी चीजें मिलकर इसका पोटेंशियल जो है वो बनाती हैं आगे चलकर इसका प्राइस हजार से पंद्रह सौ डॉलर या फिर दो हज़ार डॉलर तक बड़े आराम के साथ जा सकता है आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें टेक केयर अल्लाह हाफिज